हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें फ्लायर और कटर के बारे में बता रहा हूँ। इसके बारे में कि कटर और फ्लायर के बीच में जो ये है, ये स्क्रू किसके लिए है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग, ये एक स्क्रू होता है यहाँ पे जो एडजस्टिंग के लिए है। जैसे कटर को अपन यहाँ रखेंगे तो इतना गैप हो जाएगा यहाँ पे, और इतना ऐसा करेंगे तो यहाँ पे इतना गैप हो जाएगा। तो ये इसीलिए है, अधिकतर फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको वायर कटर में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे ये भी सेम ऐसा ही कटर है, तो जैसे यहाँ से सीधा दबाएंगे और ये यहाँ से वायर कट हो जाता। अभी इसमें से ये छिल तो गया लेकिन आधा वायर कट हो गया इसमें से। ये देखिए ये कट क्यों हो गया कि यहाँ पे पूरा ये स्क्रू पीछे किया हुआ है। अगर एडजस्ट किया हुआ होता यहाँ पे तो ये नहीं कटता। यहाँ पे देखो बिल्कुल भी फ्रेंड्स ये गैप नहीं है, तो ये गैप होना बहुत ज़रूरी है। अगर गैप नहीं होगा तो आपका वायर कटर से वायर कट हो जाएगा, सीधा छिलने के बजाय कट हो जाएगा। तो आपको ऐसे एडजस्ट करना है। ये देखिए मैं एडजस्ट करके दिखा देगा। ये देखिए ये हमारा सबसे पीछे है, तो यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं रह रहा है। इसके बाद में हम लोग इसको ऐसे यहाँ पे बीच में कर लेंगे और इसको एडजस्ट करने के लिए टाइट कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स इतना गैप हो गया, मतलब बड़ी वायर छिलने के लिए अपने को इसका इस्तेमाल अपन आराम से कर सकते हैं। अगर थोड़ा और छोटा है तो यहाँ से पीछे कर लो, ऐसे आराम से हम लोग पीछे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, ये एडजस्टिंग के लिए अच्छे से एडजस्ट हो गया है। अभी हम लोग इसको कितना भी प्रेस करेंगे तो वायर उतना ही छिलेगा। ये देखिए बिल्कुल वायर नहीं कटी है, अच्छे से छिल गया है फ्रेंड्स। तो आपको ऐसे एडजस्ट करने का, ये वाला जो है इसको लॉक करने के लिए है। ये देखिए ये वाला ये ऐसे फैला हुआ रहता है, तो ऐसे पुश करके इसको ऐसे दबाने का है। ये देखिए ये छोटा हो गया, जेब में भी डाल सकते हैं। इसको वापस निकाल दिया, ये बड़ा हो गया। ये अपना एडजस्टिंग के लिए यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में प्लायर के बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। ये अपनी प्लायर के बारे में, ये क्यों प्लायर के इधर ये खाँचा क्यों होता है, ये इसीलिए होता है फ्रेंड्स कि ये हल्की फुल्की कंपनी की प्लायर पे नहीं आएगा। ये मैं असली टपारिया के यूज़ करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे है, अच्छी खासी कंपनी की प्लायर पे होता है ये। ये है ना फ्रेंड्स, हम लोग वायर, ये वायर तो यहाँ से काट सकते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे काट सकते हैं, लेकिन जो कड़क वायर होता है वो यहाँ से काटेंगे तो फिर अपना ये कटर जो है ये ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद में अपना ये अगर वायर में सप्लाई है तो एक बार दबाने पे नहीं काटेगा, इसीलिए अपने को ये कटर ख़राब नहीं करने का है और यहाँ से काटने का है। अगर कड़क वायर, जैसे कोई कड़क वायर है, कील है, तो इसको ऐसे काटने का है। ये देखिए यहाँ पे डाला और धीरे से पुश किया, ये देखिए ये टुकड़ा हो गया। तो ये कील भी इसमें कट रही है, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स आराम से, कोई टेंशन, कोई ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आराम से कट गई। नहीं तो फिर अपन इसको यहाँ से नहीं करेंगे, अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और ये अपनी प्लायर ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको यूज़ करना है। और ये वाला जो है ये तो आपका कील वील काटने के लिए है फ्रेंड्स, कोई कड़क स्टील का वायर वगैरह हो तो वो काटने के लिए। ये आपका कटर है जो सिर्फ वायर काटने के लिए है, ये वायर कटर के लिए ठीक है। और ये है बोल्ट एडजस्टिंग, ये देखिए बोल्ट वगैरह अगर टाइट करना हो तो इसमें ऐसे पकड़ लेगा टाइट, और ये आगे पीछे नहीं होगा और अच्छे से पकड़ के हम लोग इसको टाइट वाइट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है कोई भी वायर हो या कोई पत्ती वगैरह हो उसको दबाने के लिए, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे दबा दिया, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।